देश पर ज्यादा चर्चा हो रही है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या चर्चा हो रही है यूसीसी में? कोई कह रहा जो है हम इसके पक्ष में, कोई विपक्ष में? देखिए यूसीसी का क्या स्वरूप है ना, मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, तो चर्चा अभी करना बेकार है। यहाँ तक महिला के सशक्तिकरण का सवाल हो और एक संस्कार पूरे देश में होने का सवाल हो, तो जहाँ अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अगर अपमान होता है तो वो सही नहीं। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। अब सरकार उसको कैसे काम कर सकती नहीं कर सकती वह दूसरा विषय है। चौधरी साहब, राजभर जी और बीजेपी कह रही है जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से क्या होता है, मेरा स्टैंड क्लियर है। यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था, कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बातों को कह सकते थे, लेकिन यहाँ हमारी कुछ सीमाएं जिन सीमाओं को हम लांघ नहीं सकते। महागठबंधन आप लोग कर रहे हैं लेकिन एनसीपी को तोड़ दिया महाराष्ट्र। देखिए कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं राजनीति में, पहली बार तो नहीं हो रही, और जनता का फैसला अब 24 में ही हो, जनता किसी के हाथ में काबिज नहीं है, वो अपना मैंडेट देगी। बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी मैं उसमें शामिल हूँ। बिल्कुल, ये जंगल राज का सबसे बड़ा प्रमाण है और लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए, जातिवादी जहर से बचना चाहिए। जो लोग ऐसे नफरत को पनाह देते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं, वे खुद तबाह हो जाएंगे, वे खुद भस्म हो जाएंगे उन आगों में। तो मैं यही हिदायत सबको दूंगा, और बाकी चंद्रशेखर बहुत बहादुर हैं, साहसी हैं, इन चीज़ों से इन वारदातों से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हिम्मत वाले हैं, मेरी उनसे बात हुई है और वो हर चीज़ के लिए तैयार। 2024 में क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं जो जीतने, दो बार चोट खा चुके हैं यहाँ पर? चोट तो लगती रहती है, किसानों को भी चोट लगती रहती है, वो उनको नज़रअंदाज करता है फिर उठता है, कल नया सवेरा है, 2024 में क्षेत्र के लिए विकास के लिए नया सवेरा होगा। धन्यवाद। क्या ट्वीट किया है? मैंने भी वही कहा, राजनीति में चीजें होती रहती हैं, तोड़फोड़ होती रहती है, पार्टियां बदली जाती हैं, नाम बदल जाते हैं, लोग जो लोग नेता के साथ रहते हैं उन नेताओं के साथ रहेंगे, उनके फैसलों के साथ रहेंगे, उनके इरादों को मजबूत करेंगे।